अजमेर संभाग के सबसे बड़े जेलर अस्पताल के कोविड-19 मेडिकल आईसीयू में रविवार अल सुबह अचानक शॉर्ट सर्किट से हड़कंप मच गया। शॉर्ट सर्किट होने से आधा दर्जन आईसीयू बंद हो गए, जिसके कारण कई मरीजों की सांसें अटक गई। जानकारी के अनुसार आईसीयू में करीब 20 वेंटिलेटर हैं, जिनमें से आधा दर्जन वेंटिलेटर हाई वोल्टेज आने से बंद हो गए और इसके कारण 3 से 4 गंभीर कोविड-19 मरीजों की मौत होने की सूचना मिली है। हालांकि प्रशासन ने वेंटिलेटर खराब होने से किसी भी मौत से इनकार किया है। उनका कहना है कि गंभीर मरीज थे, जिसके चलते उनकी मौत हुई है। मीडिया कर्मियों से मामले की सूचना पर अग्निशमन अधिकारी गौरव सिंह भी जेएलएन अस्पताल पहुंचे और हालातों का जायजा लेते हुए जानकारी जुटाई। उन्होंने बताया कि अल सुबह अस्पताल में शॉर्ट सर्किट से यह हादसा हुआ है, जिसमें अस्पताल के अंदर धुआं ही धुआं हो गया और करीब 3 से 4 वेंटिलेटर खराब हो चुके हैं। इस मामले को लेकर जाँच की जा रही है। वहीं अस्पताल प्रशासन भी अपनी ओर से इस मामले को लेकर जाँच कर रहा है। प्रशासन की ओर से अल सुबह से ही तमाम व्यवस्थाओं को सुचारू किया गया और अन्य मरीजों को भी विभिन्न स्थानों पर शिफ्ट कर व्यवस्थाओं को सुधारा गया है। जी सर, क्या सूचना मिली थी आपको और क्या करना? सूचना तो ऐसा है कि न्यूज़ आ रही थी व्हाट्सएप पे कि जेएलएन हॉस्पिटल में कोविड वार्ड में आग है और वेंटिलेटर में आग है, मगर अभी मैंने जाके देखा तो वहाँ पे कोई इनके जो पावर है वो ज़्यादा आ गया था, तो वेंटिलेटर के उसके हिसाब से ख़राब हो गया था, उड़ गया था, वो हल्का सा धुआं निकला था मगर आग उसमें नहीं थी बिल्कुल भी। तो इनके 3-4 वेंटिलेटर ख़राब हुए हैं और ऐसी आग की कोई सूचना, आग की किसी प्रकार की नहीं, शॉर्ट सर्किट भी कुछ भी नहीं नज़र आया मेरे को। हाँ, कोई घटना हुई है कोई जानकारी? जहाँ तक मैं देख के आया तो वहाँ तक तो वेंटिलेटर भी जो मशीन थी उसमें वो पावर की वजह से, ज़्यादा पावर आने की वजह से ख़राब हो गई थी, बाकी हताहत होने की या किसी ऐसी कोई सूचना नहीं है।